हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 10 दिन और 1000 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने दो दिन कर लिए हैं, लगभग 200 क्वेश्चंस और 250 क्वेश्चंस, सॉरी 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के। आज हम लोग आपका 50 नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं मार्केटिंग के। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं काम मार्केटिंग के क्वेश्चंस की ओर क्लास में। आइएगा जी, तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आपका काम है कि नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे पीडीएफ वहां अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना जी। उसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वहां भी आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, है ना। चलिए तो अब शुरू करें। हाँ जी सर, चलिए आज आराम आराम से थोड़ा करेंगे, क्योंकि एक दो मैसेज आए थे कि सर आप थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं स्लो करूंगा, लेकिन फिर भी फास्ट रहेगा कंपैरेटिवली पढ़ाई के, क्योंकि अगर मैं उस तरह से करूं तो इस क्वेश्चंस को, जो 50 क्वेश्चंस को बताने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, वो तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ नहीं। तो थोड़ा फास्ट भी रहेगा और थोड़ा स्लो भी रहेगा, मतलब मिडिल में, है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब, ये बात बताइए। तो ऐसा डिपार्टमेंट मार्केट बनाना जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे काम हो, जैसे अब 4 प्रोडक्ट है, मान लो पेप्सी है, मान लो चावल है, दाल है, कुछ भी, तो दाल के लिए अलग रिसर्च की टीम है, अलग मार्केटिंग की टीम है, अलग परचेजिंग टीम है, अलग सेलिंग टीम है, ये सारा टीम अलग है। तो प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहा है, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो सबसे पहले बोल रहा है इट लीड्स टू कंटिन्यूअस एंड अनडिवाइडेड अटेंशन टू द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बात भाई साहब एडवांटेज क्या बोलते हैं, एडवांटेज नहीं, ऐसा बात नहीं, ये एडवांटेज है, तो ये तो सही हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये सही है। कह रहा है रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल टू बी एम्प्लॉयड, क्या बात करो, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड वाला वो रहेगा उतना ज्यादा नंबर की जरूरत, तो ये तो क्या, ये गलत हो गया, ये एडवांटेज नहीं है, तो आंसर इज सेकेंड। चलिए जी सेकेंड नंबर पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब मुझे बताइएगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या मतलब, कम्युनिकेशन मतलब प्रमोशन की बात कहीं ना कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। हाँ जी सर, तो इंटीग्रेटेड मतलब सब मिला हुआ, और उसमें से हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है ये। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या आ गया कि सर जब एक लेवल पे सारे काम होते हैं उसको हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बोलेंगे, और जब वही अलग अलग लेवल्स पे काम हो रहे हैं, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, वो मार्केटिंग जो किया जा रहा है उसको बोलेंगे क्या सर, उसको बोलेंगे आपका वर्टिकल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो क्वेश्चन दोनों आया हुआ है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और वर्टिकल में। तो देखिए ये इसमें पूछा है कि हॉरिजॉन्टल क्या है, तो मेरे को बात बताइए, पैकेजिंग एक काम है सर, सेल्स प्रमोशन भी काम है और डिस्ट्रीब्यूशन भी काम है, लेकिन कस्टमर सर्विस वो अलग लेवल का काम है, वो दूसरा काम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा, इसीलिए नॉट कोऑर्डिनेटेड का मतलब हो जाएगा दूसरा, कस्टमर सर्विस। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर आर रिस्क अवर्स टेक्नोलॉजी साई एंड प्राइस सेंसिटिव। तो देखिए ये बात कर रहा है इनोवेशन एडॉप्शन कर्व की, जब हम प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर एडॉप्शन कैसे करता है ना, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की बात कर रहा है, तो उसमें से 4-5 होते हैं इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, है ना, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लगार्ड्स। तो ये बताया गया है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो रिस्क अवर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी में साई होते हैं और प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी लेट मेजोरिटी, क्योंकि ये ना कोई भी चीज को जल्दी नहीं खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना तो भाई साहब अपना लिए तो लास्ट में खरीदेंगे कि क्या एकदम देखे कि हाँ चलो ठीक है आप खरीद ही लेते हैं, सब लोग इतना देख रहे हैं, सब लोग यूज कर रहा है तो ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट्स इनोवेटर होते हैं, टेक प्रोडक्ट्स और एप्लीकेंट मार्केटर्स ये जो होते हैं वो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, टेक प्लेटफॉर्म मेकर्स जो होते हैं वो अर्ली मेजोरिटी होते हैं, और लेट मेजोरिटी में इन्वॉल्व कस्टमर इंटीमेसी ऑपरेशनल एक्सेलेंस एंड एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया लेट मेजोरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स आर कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग इकोनॉमिक वैल्यू टू द कंज्यूमर प्राइसिंग। आप मेरे को एक बात बताइए, इकोनॉमिक वैल्यू का क्या मतलब है, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसे की वैल्यू, है ना, बात समझ में आ रही है। तो जब पैसे की वैल्यू की बात हो जाए तो सबसे पहले क्या देखेगा कि बायर इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसका बायर के दिमाग में क्या इमेज जा रहा है, ये इकोनॉमिक वैल्यू में आ जाएगा।
वारंटी क्वालिटी की, भाई वारंटी की क्या क्वालिटी, बिल्कुल सही है भी आएगा। डिजायर रेट ऑफ रिटर्न, नहीं सर यार डिजायर रेट ऑफ रिटर्न की बात कोई नहीं होती है, तो सी वाला सबसे पहले उड़ा दीजिए, ये उड़ गया। कह रहा है कस्टमर डिमांड, तो क्या कस्टमर डिमांड की बात होती है क्या? सर कस्टमर डिमांड की बात यहाँ नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू में कस्टमर डिमांड क्या करेगा, तो डी वाला भी प्रोडक्ट गया, तो आंसर इज ए बी और ई। ई में क्या था? कस्टमर सपोर्ट। हाँ सर कस्टमर सपोर्ट के बेस पर हम इकोनॉमिक वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, तो ए बी और ई। चलिए नेक्स्ट चले, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड रिलेवेंट इन बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए कंज्यूमर्स के अलग अलग जो सेगमेंट करने का तरीका होता है वो साइकोग्राफिक भी होता है, बिहेवियरल भी होता है ना, जियोग्राफिक भी होता है, डेमोग्राफिक भी होता है। तो ये पूछा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मैंने ऑलरेडी क्लास में ये बातें कराई है, तो आइए देखिए पहले बिहेवियरल सेगमेंटेशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सर परचेज बिहेवियर, ठीक है, ओकेजन, बेनिफिट्स और कस्टमर लॉयलिटी, ये क्या है सर? ये का सारा आपका बिहेवियर सेगमेंटेशन है, कस्टमर जर्नी, एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन, ये सारा का सारा जर्नी है। तो आप मुझे बताइए कि क्या लाइफस्टाइल इसमें है? देखिए तो कहीं लाइफस्टाइल दिख रहा है नहीं सर, लाइफस्टाइल साइकोग्राफिक का पार्ट है तो बिहेवियरल में कैसे आ जाएगा? तो ये तो गलत, ए वाला हटा दीजिए, एक दो तीन। आंसर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बी सी ई। इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबकी होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे से नॉलेज है ना तो आप एक बार में आंसर बना लोगे। देखो कह रहा है यूजर स्टेटस, हाँ सर ये आ जाएगा बिहेवियरल का पार्ट, ओकेजंस बिहेवियरल का पार्ट, वैल्यूज बिहेवियरल का पार्ट, लॉयलिटी स्टेटस जो है साइकोग्राफी का पार्ट आएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक मिनट उल्टा मैंने बोल दिया, एक मिनट मेरे भाई। वैल्यूज जो है वो आ जाएगा आपका आपका साइकोग्राफी का पार्ट, लॉयलिटी स्टेटस सी का पार्ट आएगा इसका, सब बिहेवियरल सेगमेंटेशन का है ना। चलिए तो आंसर बी सी और ई है। आइए कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसको बोलता है कि उसका स्टेजेस बताइए और उसको सीक्वेंस में कर दीजिए। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडिया की स्क्रीनिंग है ना, आइडिया स्क्रीनिंग करने के बाद क्या करते हैं बताओ? उसके बाद करते हैं कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग, की जो आइडिया मैंने छाट के निकाला क्या वो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया मैंने, सॉरी जो आइडिया स्क्रीन किया मतलब जो आइडिया मैंने छाटा, ठीक है वो आइडिया सही है या नहीं उसको देखते हैं, बोलते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग। वहां कॉन्सेप्ट डेवलप करके टेस्ट भी करते हैं, उस बेसिस पर हम बनाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और उसके बेस पर हम करते हैं प्रोडक्ट को डेवलप और फाइनली हम कर देते हैं टेस्ट मार्केटिंग। देखिए आइडिया स्क्रीनिंग से पहले एक और प्रोसेस होता है आइडिया जनरेशन का, कि हम बहुत सारे आइडिया जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब आइडिया को छाटना, तो आइडिया जब बहुत सारे होंगे तभी तो आइडिया छटेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या हो गया आइडिया जनरेशन, जनरेशन मतलब बहुत सारे आइडियाज आएंगे उसमें से कुछ एक आइडियाज को आप अडॉप्ट करते हो, उस बेसिस पर फिर आप कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करते हो, तब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो, तब आप जाके आपका प्रोडक्ट बनाते हो और टेस्ट मार्केटिंग करते हो और फाइनली कमर्शियलाइजेशन कर देते हो। तो ये देखिए प्रोसेस आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है। आंसर सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, सी ए बी, आंसर सेकंड हो जाएगा इसका, ये देख लीजिए है ना जी। हाँ जी, तो बस ध्यान रखना है, काम हो जाएगा आपका ऐसा ही, बात समझ में आई जी सर। चलिए कह रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप सक्सेसफुल मार्केटिंग मार्केट ऑफरिंग। सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफरिंग के लिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है। तो आइए सबसे पहले क्या चलते हैं, सबसे पहले स्पेसिफाई द मार्केट ऑफरिंग, नहीं सर मॉनिटरिंग गोल प्रोग्रेस, नहीं सर सबसे पहले अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, बिल्कुल ये हो सकता है कि सबसे पहले क्या क्राइटेरिया होगा उस सक्सेस का वो देख लेते हैं जी सर। उसके बाद क्या, उसके बाद द लॉजिस्टिक क्रिएटिंग एंड ऑफरिंग, नहीं सर बाद द वैल्यू क्रिएटेड टारगेट मार्केट, हाँ कौन कहां किस टारगेट मार्केट की बात कर रहे हैं वो हमको देखना है। फिर उस बेसिस पर अस्पाई करेंगे कि मार्केट की ऑफरिंग क्या है, उस बेसिस पर हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक क्रिएटिंग और अब लॉजिस्टिक की बात, और फाइनली तब जाके गोल को हम मॉनिटर करेंगे। सी ई ए डी बी यही रहा, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट, अब गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन participating in the process of making product available for consumption। देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर पहले कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों के से बोलना पड़ता है, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंट्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये तो बात तो सही कह रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कह रहा है ऑल मार्केटिंग चैनल्स, देखिएगा ऑल मार्केटिंग चैनल्स हैव द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन रिजल्टिंग फ्रॉम गोल इनकम्पैटिबिलिटी इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बताइए दोनों में से क्या है सही है या गलत। तो ये तो बात सही बोल रहा है कि मार्केटिंग चैनल के पास पोटेंशियल क्या है कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन रिजल्ट करने का, तो ये भी आंसर सही होगा, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। करेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ मार्केटिंग ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अ स्मॉल बट स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड नीच मार्केटिंग। जब हम मार्केटिंग का एफर्ट लगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड सेगमेंट पर, तो उसको हम कहा कहते हैं क्या, नीच मार्केटिंग बोला जाता है उसको, है ना। ये देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। चलिए कह रहा प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ ए सेटिंग प्राइस टारगेट, प्राइसिंग की प्रैक्टिस जहां प्राइस को सेटिंग कर सेट करना है, देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करना है, दैट वुड अलाउ द फर्म टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट एट द प्राइस इज कॉल्ड। ठीक है, तो पहले प्राइस को पहले ही सेट कर लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप करिए, और वही प्रोडक्ट जिसे डेवलप कर रहे हैं वो क्या करेगा, आपके फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं प्राइस लाइनिंग। देखिए क्या बोल रहा है, प्राइस लाइनिंग स्ट्रेटजी रिटेलर्स यूज व्हेन प्राइसिंग डिफरेंट आइटम्स ऑन अ स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट। तो ये प्राइस लाइनिंग है, बेसिकली कुछ है नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड्स इज यूज्ड इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। सर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई भी, जब तक टारगेट रेट रिटर्न प्राइसिंग पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो काम नहीं बनेगा। मतलब कि जितना आपका कॉस्ट लगा है उतना तो टारगेट आपको रिटर्न करने का लेना चाहिए, तो आंसर इज टारगेट रेट रिटर्न प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स आर ओपिनियन लीडर्स हु केयरफुली सर्च फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज दैट माइट गिव देम ड्रामेटिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए ये बात मुझे बताइएगा कि ये बोल रहा है कि कस्टमर, ये भी कंज्यूमर अडॉप्शन की प्रोसेस की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि लीडर जो है, ठीक है, नए टेक्नोलॉजीज को क्या करते हैं, सर्च करते हैं और उसी बेस पर काम करते हैं। बोल रहा है कस्टमर और ओपिनियन लीडर्स, ओपिनियन लीडर्स होते हैं हु केयरफुली सर्च फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, तो जो नई टेक्नोलॉजीज को सर्च करते हैं उसको बोलते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, क्योंकि वही सबसे पहले तो इन्वेटर्स होता है जो एकदम नया नया ले लेता है, उसके बाद तो होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स जो हमारी बात को मानकर बोलते हैं भाई साहब ठीक है हम इसको खरीद लेते हैं एकदम नए नए तरीके से। देखिएगा ये देखिए, है ना, ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई अर्ली एडॉप्टर्स की? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड द वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देख लीजिए वहां पे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने करा था, उसमें था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यहाँ है वर्टिकल। तो वर्टिकल में अब क्या, अब आपको लेवल्स पे बात करना होगा, अलग अलग लेवल पे। तो कौन कौन सा लेवल है मुझे बताइए सर, इसमें कौन कौन सा लेवल होगा। देखिए सबसे पहले बात करें तो प्राइसिंग, सर प्राइसिंग का एक लेवल है सर, प्राइसिंग तो चलिए एक बात कर लेते हैं। उसके बाद सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस। सर ये देखिए ये तीनों अपने अलग अलग लेवल्स के हैं, लेकिन प्राइसिंग एक पार्ट है किसका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद प्राइसिंग होता है, तो वो सारी चीज, तो इसीलिए ये जो प्राइसिंग है ना ये पार्ट इसका नहीं होगा वर्टिकल का, क्योंकि पहले प्रोडक्ट डेवलप किए, फिर प्रोडक्ट डेवलप के बाद सेल्स किए, और सेल्स के बाद कस्टमर सर्विस देखे, तो ये लेवल्स की बात कर रहा है, लेकिन प्राइसिंग यहाँ कोई कोरिलेशन नहीं रख रहा है। तो आंसर इज प्राइसिंग। क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग टेक्निक यूज फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू को डिजाइन करने के लिए कौन सा मार्केटिंग टेक्निक है जो नहीं यूज किया जाता है, ना ये लिखा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मार्केटिंग टेक्निक, मार्केटिंग टेक्निक नहीं है, तो भाई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मार्केटिंग टेक्निक थोड़ी है, वो तो बातचीत करने के लिए, तो सर्विस हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, तो आंसर इज कम्युनिकेशन। चलिए Which one from among the following is not a generic strategy as per the generic strategies defined by Porter? तो Porter के द्वारा जो दिया गया है generic strategy, उसमें से कौन सा जो है
वो आपका पार्ट नहीं है ना। तो ये देखिए क्या कौन कौन सा पार्ट नहीं है सर। पहले ध्यान से देखिएगा, मार्केट पेनिट्रेशन है सर, बिल्कुल मार्केट पेनिट्रेशन है। कहाँ है सर, झूठ बोल रहे हैं आप, मार्केट पेनिट्रेशन के नहीं। कॉस्ट लीडरशिप दिख गया, ये देखिए कॉस्ट लीडरशिप दिख रहा है सर, दिख रहा है। डिफरेंशिएशन दिखा, दिखा। फोकस दिखा, फोकस भी दिख गया, लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत, यानी कि यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क। देखो मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क को एक बार देख लो पहले क्या है सर। 7S में स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। तो जहां पे एस होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। शेयर्ड वैल्यूज है, स्ट्रेटेजी है, सिस्टम है, तो ए सी और ई डायरेक्ट आंसर है इसको। देखो पता है कुछ कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग से भी बनाना होता है। जब 7S बोल रहा है तो भाई पी और टी तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो इसी आंसर हो जाता। बिना देखे, बिना अगर नहीं भी आ रहा था तो आंसर बन जाता। क्वेश्चन नंबर 17, 17 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए डिफाइनिंग बिजनेस। अब इसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या हो सकता है बिजनेस को डिफाइन करने का। देखिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले हो सकता है आपका प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट हो सकता है ना। एक मिनट, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट तो होगा यार मार्केट के लिए, ठीक है। उसके बाद है डीलर होगा क्या सर, नहीं डीलर्स नहीं होगा, डीलर कहाँ आ गए सर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ में बिजनेस में सर डीलर नहीं आ गए। फिर मार्केट हो गया और तीसरा फंक्शंस हो गया, कॉम्पिटिटर की भी जरूरत नहीं है, ये तीन रहेगा तो पर भी काम मेरा बन जाएगा। तो बी सी और ई यानी कि फर्स्ट वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चले। कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस बायस आर डिवाइडेड इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। सर अभी तो बताया था ना साइकोग्राफिक में, एक क्या सर, एक है आपका लाइफस्टाइल और एक हो जाएगा जी आपका वैल्यूज, यही था, देख लीजिए वैल्यूज और लाइफस्टाइल है ना, वही है ना, पक्का, हाँ जी सर वही है, वैल्यूज और लाइफस्टाइल आंसर हो जाएगा जी बी। अभी तो मैं देखा था बिहेवियर वाले में तो बताया भी था कि लाइफस्टाइल और वैल्यूज क्या है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। इसको देख लीजिएगा एक बार, ये ना पढ़ के जाइएगा, हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इशूड आर कवर्ड इन सोशल मार्केटिंग। ये बात ध्यान से समझिएगा, सोशल मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग में बड़ा फर्क होता है ना। सोसाइटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहां पर्पस कंपनी का प्रॉफिट कमाना होता है और उस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन सोशल मार्केटिंग का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो सोशल चेंज लाना चाहते हैं समाज में, तो उसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। अब देखिए बोल रहा है कौन सा जो इशू है कवर नहीं है, कवर्ड है सोशल मार्केटिंग में है ना। तो तंबाकू का भी इशू बिल्कुल है, कवर्ड है इसमें, ठीक है। फैमिली प्लानिंग इशू भी कवर्ड है ना, बिल्कुल कवर्ड है। पब्लिक हेल्थ का भी इशू कवर्ड है, फाइनेंशियल वेलबींग और सोशल गुड, ये सारा का सारा हेल्थ कवर्ड है, यानी कि ए बी सी डी और ई, ये पांचों को पांचों आपका क्या आएगा, सोशल सोशल मार्केटिंग में आ जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द करंट करंट सीक्वेंस इन, हाँ कौन सा करंट सीक्वेंस है। देखिए ये प्रेफरेंस, परचेज, अवेयरनेस, नॉलेज, कन्विक्शन, लाइकिंग, ये हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल है ना, इसकी बात करा है इसने, एडवर्टाइजमेंट मॉडल है, बोला क्या कैसे कोई भी कंज्यूमर इसको एडॉप्ट करता है। तो इसका इसका होता है अवेयरनेस एंड नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और तब जाके एक्शन है ना, एक्शन मतलब परचेज। तो पहले से क्या, अवेयरनेस नॉलेज, फिर लाइकिंग, फिर प्रेफरेंस, फिर कन्विक्शन, तब एक्शन, एक्शन मतलब परचेज है ना, एक्शन मतलब परचेज। तो सबसे पहले सी, ठीक है, फिर लाइकिंग ई, फिर ए प्रेफरेंस, फिर डी कन्विक्शन और तब जाके बी परचेज एक्शन, यानी कि आंसर इज 4। ये देखिए हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल मैंने दिया है, अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज है ना, ये इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, लेविंज और स्टीनर ने दिया, ये मैंने बता रखा है अपने वीडियो में, ठीक है। ये अगर आपने मार्केटिंग का अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करना है तो आप पॉडकास्ट सीरीज में चले जाइएगा, वहां पे दो वीडियो पड़ी हैं, पार्ट वन पार्ट टू, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है और ये सारी चीजें चर्चा कर रखी है। अगर आपने मार्केटिंग की रिवीजन लगानी है तो वो दो वीडियो जरूर लगा लीजिएगा, आपको डबल बेनिफिट होगा, ये मैं आपसे श्योर करता हूँ। चलिए अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एक किसी भी एंटरप्राइज का आपको क्या करना है, मार्केटिंग का प्रोसेस को
आपको बताना है कि कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, मार्केटिंग का रिसर्च करते हैं यानी कि डी, उसके बाद मार्केटिंग के प्लानिंग, उसके बाद क्या मार्केटिंग प्लानिंग के बाद हम मार्केटिंग मिक्स देखते हैं, फिर उसके उस बेस पर हम मार्केटिंग प्रोग्राम का इंप्लीमेंट करते हैं और लास्ट में कंट्रोल और इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो डी सी ए बी और ई, ये देखिए पहला नंबर आंसर है ना। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, इसको देखना बड़ा जरूरी है, ये इसको भी कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस है, इसको कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस बोल रहा हूँ यार। ये प्रोडक्ट आपका लाइन है, प्रोडक्ट लाइन कर्व है, जहां पे इंट्रोडक्शन में ग्रोथ मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ये चार स्टेज होते हैं और इस चार स्टेज में आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट लाइफ कैसे चलने वाला है उसकी बात यहाँ पे हो जाती है। आइए तो सबसे पहले डिक्लाइन, सर डिक्लाइन की बात करते हैं, तो जब भी हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो वहां प्रोडक्ट का रिडक्शन होता है, प्राइस का रिडक्शन होता है, कम होता है वहां बहुत ज्यादा, जब भी डिक्लाइन स्टेज आती है तो हो जाता है कम। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं नीचे। अब इंट्रोडक्शन में क्या, इंट्रोडक्शन में कॉस्ट प्लस प्राइस चार्ज करते हैं हम लोग, कॉस्ट जो मेरा होगा उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट प्लस प्राइस चार्ज करते हैं। ग्रोथ में क्या होगा सर, ग्रोथ में हम लोग करेंगे प्राइस टू मैच बी टू कंप्यूटर प्राइस, प्राइस टू पेनेट्रेट है ना, ग्रोथ में करेंगे प्राइस टू पेनेट्रेट है ना। यहां जब मेरा ग्रोथ हो रहा होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे मार्केट को, मैच्योरिटी हो जाएगा प्राइस वन, यानी कि ए का थर्ड तो तीन में है, बी का वन दो में है, ठीक है, ए का थर्ड, बी का वन एक ही में है, किसी में नहीं, थर्ड नंबर ए हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चले, कह रहा बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस विद द की कस्टमर सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एज बिजनेस इज नोन एज रिलेशनशिप मार्केटिंग। इतना सारा लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना किसका पार्ट है सर, रिलेशनशिप मार्केटिंग का ही पार्ट है, बिल्कुल सही, तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग। चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज अ फर्म चेंजेस हायर इनिशियल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एंड रिड्यूस इट ओवर टाइम एज डिमांड एज द हायर प्राइस इज सैटिस्फाइड। तो सर इसको स्कीमिंग बोलते हैं, जब हायर में इनिशियल प्राइस रखो, उसके बाद जैसे प्रोडक्ट का डिमांड कम करे प्राइस क्या करो, कम कर दो, स्कीमिंग प्राइसिंग। चलिए बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट रूरल मार्केट, रूरल मार्केट जो गाँव की मार्केट है उसके बारे में क्या मिथ है। कह रहा ऑल विलेजेस आर नॉट इक्वली पॉपुलेटेड, नहीं ये मिथ्य नहीं है। रूरल बायर्स आर ए हेटेरोजेनियस लॉट, ये भी नहीं है। कह रहा रूरल बायर्स आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, तो ये बात तो सही है लेकिन ये मिथ्य नहीं है। ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट सेल इन रूरल मार्केट, ये क्या, ये मिथ्य है कि भाई साहब जब गांव होगा या फिर रूरल जगह होंगे तो वहां सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट बिकेंगे, महंगे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो ये मिथ्य है। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा अ कंपनी शुड अंडरगो अ स्टेप वाइज प्रोसेस बिफोर सेलेक्टिंग अ फाइनल प्राइस, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई प्रोडक्ट की बात होती है तो कंपनी को एक आपका फाइनल प्राइस डिसाइड करने के लिए एक प्रोसेस सेलेक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल सही, इसमें क्या गलत बात है भाई। कह रहा अकॉर्डिंगली अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी प्रोसेस टू हेल्प एक्स वाई जेड कंपनी टू डिसाइड द फाइनल प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। देखिए बोल रहा है भाई साहब आपका प्राइसिंग पॉलिसी का स्टेप्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कंपनी है, उसको डिसाइड करने में आप मदद कर दीजिए, उसको नहीं आ रहा है, वो बेवकूफ इंसान है, उसको एकदम नहीं आ रहा है, तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना कि सेलेक्टिंग द प्राइसिंग मेथड्स, नहीं सर सबसे पहले प्राइस मेथड को सेलेक्ट थोड़ी कर लेंगे, तो पहला ये अभी नहीं ये रुकिए अभी, फिर एग्जामिनिंग और कंप्यूटर कॉस्ट ये भी अभी रुक जाइए। एस्टिमेटिंग द डिमांड कर्व एंड प्रोबेबल क्वांटिटीज कंपनी विल सेल इट, नहीं डिमांड से पहले भी कुछ ऑब्जेक्टिव आई थिंक डिसाइड करना होगा, तो ये सबसे पहले डी क्या कह रहा है सेलेक्टिंग द प्राइस, सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आप प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं, किस पर्पस से, ज्यादा महंगा कस्टमर सस्ता कस्टमर किसके लिए, ठीक है, उस बेसिस पर आप डिमांड कर्व डिवाइड करेंगे है ना, और प्रोबेबल क्वांटिटी बनाएंगे, उसके बेसिस पर फिर आप करेंगे एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट अलग अलग लेवल पर आउटपुट के लिए, अलग अलग प्रोडक्शन एक्सपीरियंस के लिए, और जो डिफरेंशिएट मार्केटिंग के ऑफर्स होंगे उसके लिए, तो एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट, फिर पहले डी सी ई, उसके बाद तब जाके आप करेंगे एग्जामिनिंग करेंगे कॉम्पिटिटर का कॉस्ट को, कि सामने वाला का जो कॉस्ट कैसा है, प्राइस और ऑफर्स क्या क्या है, और तब जाके आप सेलेक्ट करेंगे प्राइसिंग मेथड, यानी कि ए सबसे लास्ट मेथड और डी सबसे पहले। आंसर इज 1। तो डी बी ई सी और ए, एक मिनट डी के बाद सी था ना यार,
सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। हाँ ठीक, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ऑप्शन इज बी, बी मैंने बताया सही लेकिन ऑप्शन गलत चुन कर लिया, क्योंकि सेलेक्ट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था फिर एस्टिमेटिंग द डिमांड कर्व, तो डी के बाद सी था ना, तो डी के बाद मैंने बी लगा दिया, तो ऑप्शन इज सेकेंड, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा स्टेटमेंट वन, डिस्प्ले ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर विद अ प्राइस मार्क्ड ऑन देम इज नॉट एन ऑफर बट इनविटेशन टू ऑफर टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू बाय द गुड्स। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब भी एक दुकान पे आप जाते हैं वहां पे सामान रखा होता है, ठीक है, वहां पे सामान रखा होता है, तो वो ऑफर नहीं होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आइए सामान के लिए आप परचेज कीजिए, ये इनविटेशन दे रहा होता है कस्टमर को। जो भी सामान दुकान में जाते हो, चॉकलेट का डब्बा रखा होता है, तो वहां पे कुछ भी कोई भी और भी कोई सामान रखा होता है, कॉस्मेटिक्स रखी होती है गर्ल्स के लिए, तो वो आपको दिख रहा होता है, इसका मतलब वो आपको बुला रहा होता है, भाई आओ आओ मेरे को पैसा दो आओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। तो पहला तो सही है। दूसरा बोल रहा है, प्राइस कोटेशंस कैटलॉग्स एंड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर सेल इज एन आर्टिकल आर्टिकल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड, सॉरी डू कॉन्स्टिट्यूट अनवैलिड ऑफर, डू नॉट मतलब तो सही हो जाता है। बोलता है जब भी कोई आर्टिकल में प्राइस कोटेशंस कैटलॉग्स एडवर्टाइजमेंट में निकलते हैं तो वैलिड ऑफर होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं दी, पता नहीं कौन क्या छाप दिया छपवा दिया, उससे थोड़ी मेरा ऑफर वैलिड हो जाएगा। वैलिड ऑफर तब होता होगा जब आप उसके कोटेशंस को देखोगे, कंज्यूमर के अपने सॉरी जो कंपनी है उसके अपने प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अपने जगह पे जाओगे और वहां पे देखोगे तो वो वैलिड हो सकता है, लेकिन ये प्राइस कोटेशंस वगैरह जो है जो पेपर वेपर में छपते हैं वो आपके क्या है सर, वैलिड नहीं है। तो पहला सही दूसरा गलत, ये देखिए फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है डायमेंशन ऑफ वॉल वॉल्स टीएम फ्रेमवर्क, है ना, वॉल्स टीएम फ्रेमवर्क टू इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो वॉल्स टीएम फ्रेमवर्क पहले समझो, कह रहा है वॉल्स वॉल्स प्लेस यूएस अडल्ट कंज्यूमर्स इनटू 8 सेगमेंट्स, यूएस कंज्यूमर्स के लिए बना था वॉल्स सेगमेंट्स, है ना, जो बोला बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द वॉल्स क्वेश्चनेयर, द मेन डायमेंशन ऑफ सेगमेंटेशन फ्रेमवर्क इज प्राइमरी मोटिवेशन एंड सेकेंडरी रिसोर्सेस। तो पहला क्या है प्राइमरी मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन, दूसरा कंज्यूमर का रिसोर्सेस, ये दोनों बात किसने कही, वॉल्स फ्रेमवर्क ने कही है, तो पहला ही आपका क्या हो गया आंसर। ये देखिएगा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 8 सेगमेंट में आपका क्या है बांटा गया है इसको। चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा था क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूइंग कंज्यूमर रैशनलिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो बोल रहा क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन जो करेगा कंज्यूमर रैशनलिटी को, वो को क्या क्या चीज है। ये देखिए कंज्यूमर रैशनल, इस बात के लिए आपको ये देखना, ये कंज्यूमर देखेगा कि इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव्स उसका क्या है, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजर, नहीं सर रिस्क रिटर्न यहाँ पे कोई काम का नहीं है, तो बी वाला हटा दीजिए, एक मिनट, क्वालिटी क्वालिफाइड कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूट कंज्यूमर रैशनलिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ सॉरी सॉरी, रिस्क रिटर्न तो देखेगा ही भाई, ये सही है, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजर, फिर हो जाएगा पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉन सैटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस, ये आपका भाई साहब इसमें नहीं आएगा, कंज्यूमर रैशनलिटी में नहीं आएगा, तो आंसर ए बी डी और ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ इफ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। बोल रहा भाई साहब अगर आप अपने आपको अपने आप को भी जानते हो और अपने दुश्मन को भी जानते हो तो आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है चाहे वो 100 बैटल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बोल रहा है अबव द स्टेटमेंट सुन टी जी कॉरेस्पॉन्डेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ पोटास फाइव फोर्स मॉडल, इसमें से बोला ये जो कंपोनेंट दिया हुआ है जो मैंने ऊपर लिखा वो किस फाइव पोटर के फाइव फोर्स मॉडल को दर्शाता है। तो भाई ये थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है कि कॉम्पिटिटर से कैसे हमको नहीं डरना है। देखिए फाइव फोर्स मॉडल में न्यू एंट्रेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी है, बायर पावर है, सप्लायर पावर है, ये फाइव फोर्स मॉडल है, तो थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर की बात ही बोल रहा है कि भाई
जब तुम अपने आप को जानते हो, जब कसता और उसको भी जानते हो, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ, पढ़िएगा। मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट कैलकुलेट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज। मार्केटिंग मैनेजर को कैलकुलेट करना चाहिए लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, ऑफ दियर कस्टमर बेस टू अंडरस्टैंड दियर प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस। बताइए ये सही है गलत है? सर बिल्कुल सही है, मार्केटिंग मैनेजर तो ये काम करने का बनता ही है कि लाइफ टाइम वैल्यूज उसके पास कैसे जाए इसके लिए, और ताकि उससे हमेशा प्रॉफिट आते रहे, तो ये तो बात सही है। दूसरा बोल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर कंडक्टिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए एबीसी बेस्ट है, ये भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर मार्केट फॉलोअर कैन एम्प्लॉय। सर इसको बोलते हैं काउंटर फिटर स्ट्रेटेजी, आई थिंक है ना। काउंटर फिटर स्ट्रेटेजी क्या होता है, कह रहा द बेस्ट एग्जांपल ऑफ काउंटर फिटिंग इज सेलिंग द ओरिजिनल्स वाया पायरेसी। देखिए सवाल समझिए, कह रहा मार्केट शेयर में आपको मेंटेन रखने के लिए एक मार्केट फॉलोअर क्या कर सकता है, तो भाई वो जो मेन प्रोडक्ट है उसका, उसको वो डुप्लीकेट करके बेच सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक में बेचना या ब्लैक मार्केटिंग करना। सुने अक्सर हम लोग बोलते हैं गैस ब्लैक कर रहा है वो, ये चीज ब्लैक कर रहा है वो, तो ब्लैक मार्केटिंग बोल सकते हैं उसको, है ना ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया। सबसे बड़ा मेन प्लेटफॉर्म क्या है, सर्च इंजन तो सर गूगल है, गूगल या हो, ये तो नहीं हो सकता, तो ए वाला हटा दीजिए। फिर क्या, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कम्युनिटीज एंड फोरम्स हो सकते हैं, ब्लॉग्स हो सकता है, सोशल नेटवर्क हो सकता है, वेब 1.0 नहीं, ये नहीं होगा, बी सी और डी। आपका आंसर क्या, बी सी और डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चला जाए। हाँ जी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पीटर एफ ड्रकर ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, वो देखिए क्या बोल रहा है। तो इनका स्टेटमेंट है, एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस। मार्केटिंग का पर्पस ये कि सेलिंग को क्या करना, सुपर फ्लॉस बनाना। चलिए अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के इसमें से आते रहते हैं हमेशा क्वेश्चन। कह रहा है शॉपिंग गुड्स हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। शॉपिंग गुड्स चार तरह के गुड्स होते हैं, कन्वीनियंट गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स और अनसॉर्ट गुड्स, है ना। अब देखिए किसके किसके फीचर्स दिए गए। पहला कह रहा है दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। हाँ सर, ये शॉपिंग के फीचर्स हैं। कंज्यूमर्स जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ द वेरियस सेलर्स देन द बाय द सच गुड्स। बिल्कुल सही, जब आप शॉपिंग करने अक्सर जाते हो कपड़े की, तो बहुत सारे दुकान में देखते हो, उसके बाद आप तब जाके वो गुड्स को खरीदते हो। फिर पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स जनरली हाई। हाँ बिल्कुल सही, ये बात भी ठीक है, तो ए बी सी ठीक है। कह रहा है डी में, डी नंबर आई है, दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूस इन डिमांड। नहीं सर, रेगुलरली कंटिन्यूस डिमांड में जो है वो कन्वीनियंस गुड्स आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है डी भी गया, डी गया गया। ई कह रहा है दीज गुड्स आर सोल्ड एट अ रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशनल इफेक्ट। सर एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट जो लगाना पड़ता है वो हमको अनसॉर्ट गुड्स में लगाना पड़ता है, जो इंश्योरेंस वाला होता है, तो ये भी नहीं होगा। डी और ई का जिसमें इसमें काट दीजिए, ई है डी है, ई भी है गया, तो आंसर टू हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप, है ना, कि कन्वीनियंस गुड जो ऐसा गुड्स होता है जो आपको इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाए, शॉपिंग गुड्स थोड़ा सा टाइम लगता है और शॉपिंग करने में ड्यूरेबल इन नेचर के होते हैं, हायर प्राइस होता है नहीं, और स्पेशलिटी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे आप शोरूम्स में जाते हैं, किसी स्पेशल शोरूम की बात करते हैं, प्राइस होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। और अनसॉर्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो भाई साहब आपको मतलब एग्रेसिव एफर्ट लगाना पड़ता है सेल करने के लिए, इंश्योरेंस वगैरह, है ना। तो आंसर इसके लिए हो जाएगा ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन एक रीजन। देखिए सबसे पहले असर्शन देखिए, कह रहा है डेटा बेस असिस्ट इन मार्केट सेगमेंटेशन स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग लॉयलिटी सेगमेंट्स। क्या बोला, डेटा बेस क्या कर रहा है सर, डेटाबेस असिस्ट कर रहा है मार्केट सेगमेंटेशन में, है ना, तो और स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन में एज ए लॉयल्टी सेगमेंट्स। बिल्कुल सही, बिहार देखिए डेटाबेस जो भी हम मार्केटिंग में काम करते हैं उसमें सेगमेंटेशन होता है, मार्केट सेगमेंटेशन, और उसमें बिहेवियरल सेगमेंटेशन में लॉयल्टी सेगमेंट्स आते हैं, ये बात सही है। ये चीज अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद रीजन बोल रहा है, कह रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस हैव बिकम एन एसेट फॉर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। ये भी बात सही है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के लिए बेस्ट पार्ट है, तो ये सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो क्यों, क्योंकि सर एक तो मार्केट सेगमेंट की बात कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रहा है। सो ए आर राइट, ए और आर दोनों राइट है, बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर इज 4। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 38 भाई साहब, ये क्वेश्चन ऑफ द मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन ऑफ द ईयर था, है ना। क्वेश्चन ऑफ द ईयर क्यों था मार्केटिंग का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछी गई थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो मजा आ जाए एग्जाम में, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का क्वेश्चन दिया गया है, तो कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो कैसे डिसीजन लेता है। सबसे पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई मेरे पास उसकी जरूरत है या नहीं है, उसके बाद उस बेसिस पर इंफॉर्मेशन सर्च करता है कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, फिर उस बेसिस पर आपका पोस्ट, उसके बाद बेस पर हमको अल्टरनेटिव दिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, उस ऑप्शन में फिर हम एक को परचेज कर लेते हैं, और परचेज करने के बाद फाइनली उसका बिहेवियर भी चेक करते हैं कि पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या होता है, परचेज करने के बाद क्या बेनिफिट हमको मिलता है। उसी बेसिस पर एक कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिया हुआ है, कह रहा है उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना विद रिगार्ड टू यंग पर्सन दिव्या। एक दिव्या एक लड़की है जो बहुत ही यंग है, और ये पांच आपके अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, मोटा इसको आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज करना है कि दिव्या कैसे इस चीज को करेगी। कह रहा है पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके इसको क्लियर करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कह रहा looks for a specific color and showroom delivery as she does not want to wait। तो भाई साहब इसका मतलब ये कुछ खरीदना चाहती है ना, looks for a specific color मतलब किसी specific color के लिए ये वेट कर रही है, तो कुछ तो खरीदना है। आगे पढ़िए, इससे नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा बी नैरो डाउन टू अ डार्क ग्रे कार ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड, एक कार खरीदना चाहती है भाई स्पेसिफिक डार्क ग्रे कलर की, ठीक है। चलिए ये भी अभी थोड़ा सा लिंक नहीं पा रहा है, सी चलते हैं। कह रहा है सी बिलोंग्स टू एन एग्जीक्यूटिव ग्रुप एंड ऑल हर कलीग्स हैव देयर ओन वेकेंस। ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, बोला कि दिव्या बिलोंग्स टू एन किसमें एग्जीक्यूटिव ग्रुप, एग्जीक्यूटिव ग्रुप से दिव्या बिलोंग करती है, और उसके कलीग्स के पास अपने वेकेंस है। देखिए यहां नीड फाइंड हुआ कि नहीं, कि उसके कलीग्स के पास वैकेंसी है, उसके पास तो नहीं है, तो नीड फाइंड हो गया। आंसर सबसे पहले सी वाला काम करते हैं, सबसे पहले सी वाला है, तो ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, झंझट खत्म। अब मेरे पास ऑप्शन दो और तीन रह गए। अब देखिए, तो ये जब ये इसके पास नीड रिकॉग्नाइज हो गया, अब नेक्स्ट पढ़िए। कह रहा है यूजेस मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट क्या इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मॉडल्स। तो ये तो अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद का चीज है, ठीक है। अब क्या, अब ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है feels that the fuel efficiency should be the most critical factor while making a choice। हाँ, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक उसके पास on vehicles नहीं था, उन्होंने vehicles की बात करी, उसके बाद उन्होंने feel क्या किया, उसने feel किया कि भाई साहब मुझे भी गाड़ी लेनी चाहिए, और उस basis पर वो देखिए कि जिसका fuel efficiency वो सबसे ज्यादा important factor होगा, critical factor होगा जब वो चीज खरीदेंगे। तो के बाद C के बाद E हो गया, फिर E के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे वो देखेंगी, आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगी कि भाई यूज मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स। उसके बाद वो डिफरेंट मॉडल्स के बारे में सर्च करेंगी, और फिर तब जाके वो ले स्पेसिफिक कलर देखेगी, है ना, लुक्स फॉर स्पेसिफिक कलर और शोरूम डिलीवरी कि भाई अब हम वेट नहीं कर सकते, हमको दे दो कोई ना कोई एक कलर दे ही दो, और फाइनली जाके नैरो डाउन करेगी कि डार्क ग्रे कलर का एक स्पेसिफिक ब्रांड वो परचेस कर लेगी। तो ये पांच प्रोसेस जो है ना वो परचेस डिसीजन तक का है, बात समझ में आई जी। तो आंसर हो गया सी ए डी ई और बी। ये देखिए नीड रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन सर्च इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव परचेस डिसीजन और पोस्ट परचेस डिसीजन, इसी पर बना हुआ था, सी ई डी ए बी ऑप्शन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कह रहा है ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया, ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। रूरल कंज्यूमर सारे होमोजेनियस नहीं सर, हेटरोजेनियस होते हैं, दोनों का दोनों गलत है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलिए। कह रहा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिलीवर रिजल्ट। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या क्या डिलीवर करता है रिजल्ट को बताइए तो फटाफट सर। सबसे पहले वेयर प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन इज वीक, बिल्कुल सही। जब पेनिट्रेशन मतलब होता है कम प्राइस में बेचना, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ए वाला रखिए, बाकी बी वाला डिलीट कर दीजिए, मतलब बी वाला नहीं, अभी बी ए के अलावा जो है वो डिलीट कर दीजिए, खत्म हो गया। कह रहा है प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज अ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, नहीं सर, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अगर ले लेगा तो भाई साहब ये फिर पैसा कहां से ससुर जी के यहां से लाके देगा पेनिट्रेशन में, तो ये भी गलत, बी वाला भी गलत। अब देखिए ए डी और सी में, तो ए डी कॉमन है, सी पढ़ लीजिए। कह रहा मतलब मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंसिव कंपटीशन, हाँ इंटेंसिव मतलब कम, ये तो सही है, तो ए सी और डी भी क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए सी और डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41,
which among the following is not included in 7 P's of marketing mix by Booms and Bittner. Booms and Bittner ने 3 next P की बात करी है, कौन सा? प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस. पॉलिटिक्स की बात थोड़ी करी है इन्होंने यार, गलत हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा. कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर. तो जो मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी है उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है. देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड एंटीसिपेटेड सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट द ब्रेक इवन प्राइस एंड द सेल्स वॉल्यूम. सर ये तो पहले नहीं होना चाहिए. नहीं सर. उसके बाद बोल रहा है फोरकास्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन डिमांड एस्टिमेशन एंड कंपेटिटिव. तो सेल्स फोरकास्ट करेंगे पहले, डिमांड एस्टिमेट करेंगे तब ना. तो आइए, तो सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले हम एस्टिमेट कर रहे हैं डिमांड को, यानी कि सी. तो बी वाला पहले हटाइए, ये गया और ये भी गया, सॉरी ये गया ये नहीं गया. ठीक है, अब नेक्स्ट जब एस्टिमेट कर दिए डिमांड है ना, तो फिर उसके बेस पर फोरकास्ट कर लेंगे सेल्स को. जब डिमांड हो गया तो बिल्कुल सही, बी इसमें भी है. फिर उसके बाद क्या, उसके बाद एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट को कि क्या करेंगे सर, एस्टिमेट ही करेंगे ना कॉस्ट को उस मार्केट सेगमेंट के लिए, और उस बेसिस पर बेस्ड ऑन द कॉस्ट, इसी कॉस्ट के बेस पर एंटीसिपेट सेल्स वैल्यूम निकलेगा, ब्रेक इवन प्राइस निकालेंगे और सेल्स वैल्यूम आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आंसर सी, बी, डी और ए. बात क्लियर है? हाँ जी सर. आइए कह रहा है एडवर्टीजमेंट मेथड इन विच कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन ऑन टेलीविजन चैनल इज नॉट. तो देखिए जब भी एडवर्टीजमेंट मेथड ऐसा हो जहां पे हर जगह आपको एक तरह का मार्केटिंग दिखने लगे, उसको बोलते हैं रोड ब्लॉक मार्केटिंग. क्या बोलते हैं? रोड ब्लॉक मार्केटिंग. चलिए 44 में कह रहा है एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आर. तो जो फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मतलब कि सर मेरा प्रोडक्ट कहां कहां किस किस जगह में होगा, तो वो सर किस किस फैक्टर पर डिपेंड होगा. देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी में बिल्कुल होगा, स्टेट इकोनॉमी में भी होगा, सोशल एक्टिविटीज़म में नहीं होगा. सोशल एक्टिविटीज़म का डिसीजन से कोई मतलब नहीं है. तो किसमें सी हटा दीजिए, ये सी हट गया, ए डी और ए बी डी ई. तो सर ए बी तो ऑलरेडी है तो डी ई भी होगा ही, है ना. आंसर यही होगा ए बी डी. वैसे देख लीजिए डी में क्या, टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस बेसिस पे भी और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे भी. तो आंसर ए बी डी और ई. चलिए अब क्वेश्चन 45 कह रहा है अरेंज द स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस. मार्केट सेगमेंटेशन का स्टेप देखना है अब कैसे, आइए देखते हैं. सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या सेगमेंट करिए ऐसे टेस्ट को. नहीं सर, टेस्ट तो लास्ट में. उसके बाद क्या सेगमेंटेड सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, ये भी नहीं. नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, हाँ सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि सबसे पहले नीड फाइंड आउट करनी होती है. तो नीड बेस्ड सेगमेंटेशन होगा, उस बेसिस पर हम सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उस बेसिस पर सेगमेंट अट्रैक्ट करेंगे और फाइनली उसके बाद हम सेगमेंट को प्रॉफिटेबल और पोजिशनिंग उसकी करेंगे और तब जाके सेगमेंट का टेस्ट कर देंगे. तो सी ई बी डी ए ये होगा जी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 46 चले. हाँ जी सर कह रहा है गिवन बुलेट टू स्टेटमेंट, दो है एक असर्शन रीजन. आइए असर्शन और रीजन पढ़ते हैं डायरेक्ट, हम उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. कह रहा है कंज्यूमर्स नीड टू बी गिवन लीगल रिकॉग्निशन अगेंस्ट सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेस बिजनेस मेथड. हाँ बिजनेस बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए किसी किसी ट्रेड प्रैक्टिसेस में, है ना. बिल्कुल सही बात. कह रहा है प्रोटेक्शन एज पर द मार्केट फोर्सेस सेवर टेम्पर इज नॉट एनफ एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एज इज एन इकोनॉमिस्ट ड्रीम एंड कंज्यूमर सोवरेंटी इज अ मिथ. तो भाई साहब बोल रहा है कंज्यूमर सेवर टेम्पर, सेवर टेम्पर होता है लेट द बायर बी वेयर. ये जो है बोल रहा है सेवर टेम्पर क्या है, ये एनएफ नहीं है, तो इस वजह से ये सारा चीज देना चाहिए. तो बिल्कुल सही कह रहा है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी क्या है, आर का ए है. तो ये बिल्कुल सही है. चलिए सेकेंड ऑप्शन. उसके बाद क्या 47 कह रहा है 34% ऑफ द कस्टमर हु फॉल इन द वन कैटेगरी इज डिफ्यूजन प्रोसेस हु आर डिलीबरेट कस्टमर टू एक्सेप्ट एन इनोवेशन जस्ट बिफोर द एवरेज एडेप्टर, है ना, इन एन लोकल सोशल सिस्टम. तो सबसे पहले आपको अगर याद होगा कंज्यूमर अडॉप्शन साइकिल में 34% दो ही का था सर, एक अर्ली मेजोरिटी और एक लेट मेजोरिटी. तो जब सर बोला है क्या कि बिफोर एवरेज अडॉप्टर, अडॉप्टर अर्ली क्या बोलते हैं, अडॉप्टर से पहले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये अर्ली मेजोरिटी की बात कर रहा है क्योंकि अर्ली अडॉप्टर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है. अर्ली अडॉप्टर्स कितना होता है सर, 13.5,
तो इसके जस्ट बाद है ना, एवरेज अफ्टर के जस्ट बाद तो क्या है, अर्ली मेजोरिटी। तो ये किसकी बात कर रहा है, अर्ली मेजोरिटी की बात कर रहा है। ये वाला याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनोवेटर्स 2.5%, अर्ली अडॉप्टर 13.5%, अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34%, और लगाट जो है वो 16% होते हैं। और उसके फीचर्स भी एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, कंपनीज दैट बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन, तो वो कंपनी जो स्किल हो रही है सीआरएम को लेकर, वो क्या फोकस करती है, फोकस करती है अंडरस्टैंड द परसीव्ड परफॉर्मेंस बाय बायर एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए सर ये तो है, अभी और इससे अच्छा देख लेते हैं कि है कि नहीं। गिविंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, नहीं सर ये गलत है, कॉस्ट को रिड्यूस करके ये भी नहीं, ये नहीं होगा। चलिए अब कैसे सीआरएम को फोकस किया, डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन राइट कस्टमर्स एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वैल्यूड कस्टमर्स। ये देखिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और यही इसका आंसर है। बोल रहा है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करिए जो कस्टमर को रिटेन करके रख सके, आपके राइट कस्टमर्स को, और उस बेसिस पर उनके इंडिविजुअल नीड को समझिए और कस्टमर की वैल्यू कीजिए। तो ये क्या, ये थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, विच ऑफ दीज आर रेडली एक्सेप्टेड डिस्टिंग्विश द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज दैट क्रिएट यूनिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स चार हैं, क्या क्या हैं सर, आपका पेरिसेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, और एक और है आपका क्या, वेरिएबिलिटी है ना, लेकिन वेरिएबिलिटी यहाँ नहीं है, तो आंसर बी सी और डी हो जाएगा। ये देखिए कह रहा, आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड एंगेज In which of the following stage developing and marketing new concept? जब भी new concept की development की बात आए, new product development की बात आए, तो concept testing के बाद sir market strategy का development होता है। ये देख लीजिए, आपको नीचे दिया गया है, आप समझ में आएगा। idea generation, फिर idea की screening, फिर concept testing के बाद market strategy development। यही बात इसने बोला, यही हो गया जी आपका answer। हाँ लीजिए जी, आपके marketing के भी 50 questions हो गए complete। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।